तो दोस्तों आज बात करेंगे सेफ्टी बेल्ट, जो हम लोग हाइट में काम करने टाइम में सेफ्टी बेल्ट जो एंकरिंग करते हैं वो राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन होता है। तो हम दिखाएंगे कैसे बेल्ट को वर्कर लोग काम करने टाइम में कैसे रॉन्ग डायरेक्शन में बेल्ट को फंसाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो हो गया, मान लीजिए एक पर्सन हाइट में आगे काम करने के लिए, तो बेल्ट को हमेशा ऐसे फंसाते हैं, कोई ऐसे फंसाता है, ये हो गया फर्स्ट डायरेक्शन रॉन्ग डायरेक्शन। और कोई आता है कोई ऐसे फंसाता है सीट बेल्ट को, और कोई ऐसे फंसाता है, देखिए कोई ऐसे फंसा जाता है, सिंगल फंसाता है, कोई डबल फंसाता है, कोई ऐसे यहाँ पे फंसाता है, कोई ऐसे करके फंसी का ऐसे करते हैं, ऐसे फंसा देते हैं। ये जो बेल्ट फंसाने का जो तरीका होता है वो गलत तरीका होता है, सही तरीका होता है क्या है, जो एंकरिंग पॉइंट होता है और जो हुक होता है इसको हमेशा दोनों ही फंसाना है, इसको दबा के स्प्रिंग को ऐसे दबाना है और लॉकिंग करना है। जहाँ पे आप एक्सेस आगे जाएंगे, स्टेशन करेंगे आगे जाने के लिए, तो एक पॉइंट को निकालना है, फिर थोड़ी देर में जाएंगे तो जितना दूर जाएंगे तो उसको फिर से लगाना है, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसको निकाल के फिर आगे ऐसे लगाना है। यही होता है राइट डायरेक्शन सेफ्टी बेल्ट हुक करने के लिए, ऐसे ही बेल्ट को फंसा के आगे तरफ से काम करना है, ऐसा नहीं जो रॉन्ग डायरेक्शन के सेफ्टी बेल्ट को फंसा के काम करना है। छोटी सी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।